हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा सिंह आज आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये लाइब्रेरी विजिट की फाइल का वीडियो है, इंग्लिश में है, जो कि आपके साथ मैं पहले भी कई लाइब्रेरी विजिट की फाइल जो होती है उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये जो लाइब्रेरी विजिट है, ये अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसका विजिट का वीडियो है, और ये लखनऊ में स्थित पब्लिक लाइब्रेरी है, और ये यूज़फुल होगी बीएड और एमएड दोनों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होने वाली है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के बीएड फोर्थ सेमेस्टर तक की सभी फाइलें आपको अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पर। इसके साथ ही बीटीसी और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए भी फाइल मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइब्रेरी विजिट जो होता है, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और एमएड में भी होता है। तो लाइब्रेरी विजिट में जब हम आते हैं, तो सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, और इसमें आपको मिल जाएगा मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का क्या अर्थ है उसको आपको थोड़ा सा लिखना होगा। और ये अमीरुद्दौला लाइब्रेरी जो है उसकी विजिटिंग का ये फाइल है। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ पर आपको इसका मीनिंग लिखना है कि लाइब्रेरी क्या होती है, कैसी होती है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा कि लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है, यानी लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे ही बना सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको लाइब्रेरी का अर्थ लिखना होगा, और फिर उसके बाद एक आपको एक्नॉलेजमेंट तैयार करना होगा। एक्नॉलेजमेंट आप दे दीजिएगा, उसके बाद इसका मीनिंग होगा। फिर क्वालिटीज़ ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइब्रेरी खुली होनी चाहिए, और लाइब्रेरी में लाइटिंग जो हो, यानी कि रोशनी जो हो, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और इस तरीके से सारी जो इसमें ऑप्शंस होते हैं वो आपको इसमें ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, टू बिल्ड हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, ए पर्पस स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग वेरियस बुक्स, यानी कि जो लाइब्रेरी का यूज़ होता है उसका उपयोग क्या होता है, लाइब्रेरी का एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हैं या उसका बेनिफिट क्या है, इस तरीके का ये इसमें मैटर रहेगा। फिर इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की क्या महत्व है और लाइब्रेरी की क्यों ज़रूरत होती है, वो आपको इसमें लिखना होगा। लाइब्रेरी किस लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, और लाइब्रेरी में क्या क्या इसकी ज़रूरत, लाइब्रेरी की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये भी आपको इसमें लिखना होगा। जैसा कि लाइब्रेरी, हर किताब हर विद्यालय में नहीं मिल पाती या हर जगह नहीं मिल पाती, तो लाइब्रेरी बना दी जाती है जिसमें एक साथ किताबों के अलावा बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, नक्शे वगैरह मिल जाते हैं, पांडुलिपियाँ मिल जाती हैं, जितनी पुरानी लाइब्रेरी होती है उतनी ही पुरानी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, और पुराने पैटर्न का जो प्रोसेस होता है वो भी लाइब्रेरीज़ में मिलता है, ताम्रपत्र वगैरह मिल जाते हैं, और बहुत सी यूनिक बुक्स मिल जाती हैं लाइब्रेरी में, इसलिए लाइब्रेरी की नीड है, और क्योंकि हर जगह नहीं मिल पाती और लाइब्रेरी का महत्व आपको इसमें लिखना रहेगा। फिर आ जाते हैं बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में है, और फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, और ये नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है, आगे के पॉइंट्स में आपको इस वीडियो में पॉइंट्स के साथ साथ लाइब्रेरी की कुछ वीडियो फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी जो अमीरुद्दौला लाइब्रेरी की ही हैं, तो आपके लिए ये यूज़फुल होंगी, ताकि आप देख सके, समझ सके कि हाँ ये लाइब्रेरी इस तरीके की है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा पिक्चर्स को देखने के बाद। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी किताबें होती हैं,
अवेलेबल है अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में। ये इस तरीके से ये नंबरिंग वगैरह करके सेटअप किया जाता है, तो ये आपको सारी जानकारी वहाँ से लेनी भी होगी। अगर आप विजिट करने जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कितने तरीके की लाइब्रेरी होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, पर्सनल लाइब्रेरी होती है, और गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है, स्कूल लाइब्रेरी होती है, कॉलेज लाइब्रेरी होती है, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, और हर तरीके की अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग एक भूमिका होती है। तो वो आपको यहाँ पे इसमें लिखनी होगी कि स्कूल की लाइब्रेरी जो होती है उसमें बुक्स का लेवल क्या होता है, किस क्लास से किस क्लास तक की किताबें वहाँ पर होती हैं, कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पर किताबों और क्लासेस का लेवल क्या होता है, और इस तरीके से जो पर्सनल लाइब्रेरी होती है, पर्सनल लाइब्रेरी में आप में जो होती हैं व्यक्तिगत किताबें होती हैं, अपने पसंद की किताबें व्यक्ति रखता है तो वो एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उसमें नॉर्मल कॉमन बुक्स जो होती हैं वो रखी जाती हैं जो पब्लिक को आसानी से मिल सके। तो इस तरीके से फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स प्रेजेंट इन, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो होता है मतलब कि जो पुस्तकों को रखने का जो उनको कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है किस तरीके की किताबें कैसे रखी जाएंगी, कैसे व्यवस्थित करी जाएंगी, ये पूरा सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेशन में आता है। हर विद्यालय का, हर स्कूल का, हर डिग्री कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का बुक्स को अरेंज करने का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है और वो अपनी सुविधा अनुसार उसको रखते हैं। और जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी या नेशनल लेवल की लाइब्रेरी होती है उनकी बुक्स का अरेंजमेंट DDC के अकॉर्डिंग होता है, LCC के अकॉर्डिंग होता है, तो ये उसका अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी विजिट, ये पहला पॉइंट है लाइब्रेरी विजिट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। अब आपको जब आप लाइब्रेरी जाओगे, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी जाओगे, तो वहाँ पे आपने एंटर किया, क्या क्या चीज़ें देखा, कैसे देखा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होंगी, किस तरीके की किताबें हैं, क्या क्या वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि अमीरुद्दौला लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी है तो इसमें आपको मैप्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत पुराने समय के मैप्स मिल जाएंगे, ताम्रपत्र मिल जाएंगे, पांडुलिपियाँ मिल जाएंगी, हस्तलिखित जो कुछ समय पहले जैसे चमड़े पर लिखने लिखा विखा जाता था, तो इस तरीके से मतलब जो भी लिखने की जो संग्रहित करने की जो पद्धति थी वो आपको पुराने लेवल तक यानी प्राचीन समय का जो प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस लाइब्रेरी में काफ़ी हद तक। तो आप इस लाइब्रेरी को विजिट ज़रूर करें, और फाइल बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, एज इट इज़ कॉपी ना करें, अपने टीचर अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें और फिर उसके बाद ही आप जो है अपनी फाइल को तैयार करें। ये फाइल सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है कि इस तरीके का प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे फाइलें बनती हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कि ये इंट्रोडक्शन है लाइब्रेरी का, इसमें नेम ऑफ लाइब्रेरी अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी है, ये स्टेबल हुई है 1868 में, और इसके डायरेक्टर जो हैं अर्चना खरे हैं, और यहाँ पर वर्कर्स जो हैं मेंबर ऑफ लाइब्रेरी वर्कर 13 हैं, और टाइमिंग सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक की है, और ये ट्यूसडे को क्लोज रहती है। ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी, और करंट में क्या प्रोसेस है, टाइमिंग है, वो सब चीज़ें आपको अपडेट करके लिखना होगा। एज इट इज़ मत उतार लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर चेंजेस हुए होंगे, तो आप उसको कन्फर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हु कैन विजिट, कौन इस लाइब्रेरी में विजिट कर सकता है। जैसा कि ये पब्लिक लाइब्रेरी है तो इनका अपना एक रूल होगा इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग किस तरीके के लोग, किस तरीके के पर्संस इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप लेने वाले ज्वाइन कर सकते हैं या उसके अलावा नॉर्मल पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी, और आपको इसकी जानकारी पहले वहाँ करनी होगी उसके बाद लिखना होगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जो वहाँ पर बुक्स की संख्या है
वो कितनी है आपको ये जानकारी करके लिखना होगा, कितने मैप्स हैं, कितनी बुक्स हिंदी में हैं, कितनी उर्दू में हैं, किस तरीके की किताबें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसकी जानकारी आपको वहाँ के स्टाफ से लेनी होगी। उसके बाद फिर उसके बाद जर्नल्स, जो वहाँ जर्नल्स अवेलेबल होते हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जर्नल्स के साथ साथ और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर हम। अगले पॉइंट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेंबरशिप, यानी कि इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, और मेंबरशिप के चार्जेस जो भी होंगे वो आपको प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसमें मेंशन करना होगा, क्योंकि ये फाइल थोड़ी पुरानी है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में क्या प्रोसेस है वहाँ पर मेंबरशिप लेने का। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो लोकेशन, इस लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है। ये लोकेशन इसकी है कैसरबाग में, लखनऊ में ये स्थित है। ये देखिए कैसरबाग नियर सफ़ेद बारादरी लखनऊ। और अदर इन्फॉर्मेशन में इन्होंने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है अमीरुद्दौला लाइब्रेरी इंडीड इज एन इंग्लिश कैटलॉग। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर उस लाइब्रेरी की बनावट कैसी है, वहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर शेल्फ की व्यवस्था कैसी है, बुक्स अरेंजमेंट कैसे हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इन्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट कैसा है ये भी आपको लिखना होगा। शांत वातावरण है, अच्छी रोशनी है, अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था है, वहाँ का माहौल ऐसा है कि पढ़ने की इच्छा होती है, ये इस तरीके की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखना है। फिर अदर अरेंजमेंट्स में जैसे कि वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था है या फिर न्यूज़पेपर की व्यवस्था है, मतलब बुक्स के अलावा अगर कुछ ऐसा वहाँ पर आपको दिखता है तो वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बुक का ऑर्गेनाइज करने का क्या प्रोसेस है वो पूरा आपको इसमें लिखना होगा। फिर आ जाते हैं अगले पॉइंट पर।
तो इस तरीके से ये लाइब्रेरी विजिट की फाइल कंप्लीट होगी। आपको ये पॉइंट्स सभी पढ़ के अच्छे से समझ के तब लिखना है अपने कॉलेज से आप संपर्क करके, और लाइब्रेरी की विजिट करने के बाद ही आप इस फाइल को अच्छे से बनाइएगा। और ये जो मैंने बीच बीच में फ़ोटोज़ लगा दी हैं, ये लाइब्रेरी के अंदर की फ़ोटोज़ हैं जो आपके लिए यूज़फुल होगी। ये देखिए इस तरीके की काफ़ी बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है ये। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप किस सेमेस्टर में हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर फाइल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो फाइल प्रोवाइड करा सकूं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, आप चैट कर सकते हैं मुझसे अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अपडेटेड फाइलें जो मैं आपको दे रही हूँ उनका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पुरानी फाइलों का पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करिए। सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई फाइल चाहिए। अगर आपको एक दो पेजेस की भी फाइल चाहिए, मान लीजिए आपको किसी बुक का कोई पॉइंट चाहिए, तो आप मुझे बुक का नाम और वो पॉइंट बताइएगा तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड ज़रूर करा दूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।